हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल A60s फ़ोन है, तो आईटेल A60s फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में इस रिफ़्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ़्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन डिस्प्ले पे, और कैसे रिफ़्रेश रेट को आप शो कर सकते हैं डिस्प्ले पे। तो आज हम बताने वाले हैं कि रिफ़्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं आईटेल A60s फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं आईटेल फ़ोन में, तो सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना रिफ्रेश रेट, तो रिफ़्रेश रेट सेटिंग शो कर जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते जो भी रिफ़्रेश रेट है इसको आप शो कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली ऑन करते हैं इस रिफ़्रेश रेट को, तो जो रिफ़्रेश रेट है आपकी फ़ोन डिस्प्ले पे कॉर्नर पे शो होता है रेड कलर का, देख सकते हैं कि शो हो रहा है। तो इस तरीके से रिफ़्रेश रेट को आप यहाँ से शो कर सकते हैं डिस्प्ले पे, और जैसे आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी रिफ़्रेश रेट आप फ़ोन डिस्प्ले पे शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से रिफ़्रेश रेट को आप शो कर सकते हैं डिस्प्ले पे, और चेंज करना चाहें तो चेंज भी आप कर सकते हैं। अगर आपका रिफ़्रेश रेट 90 एंड 60 हर्ट्ज़ के बीच में है, और 90 एंड 60 हर्ट्ज़ है, तो आप रिफ़्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। आप डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर यहाँ से रिफ़्रेश रेट को चेंजेस कर सकते हैं, और जो भी आपकी सेटिंग्स है रिफ़्रेश रेट की डिस्प्ले पर शो हो जाती है, डिस्प्ले सेटिंग पर शो हो जाती है, इसके जरिए रिफ़्रेश रेट बदल सकते हैं। और साथ में जैसे आप ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन करते हैं तो स्क्रीन को रोटेट भी आप कर सकते हैं, और ऑफ़ कर दें तो रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से रिफ़्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं आईटेल A60s फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करें।